ईडी ने सील किया। यंग इंडियन का दफ्तर कांग्रेस को भेजे गए नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई, सूत्रों से खबर, गोदाम की तरह था ऑफिस। ईडी की कार्रवाई के बाद एक्शन में कांग्रेस, जहां संसद की कार्यवाही से पहले बुलाई पार्टी सांसदों की बैठक, सदन में स्थगन प्रस्ताव हंगामे के भी आसार। पात्र चौल घोटाले में बढ़ी राउत की मुश्किलें, सूत्रों के मुताबिक 3 करोड़ कैश देकर खरीदे गए 10 प्लॉट, रिमांड पूरी होने पर आज कोर्ट में पेशी होगी। पार्थ अर्पिता की रिमांड कॉपी से बड़ा खुलासा, अर्पिता की 31 LIC पॉलिसी में पार्थ नॉमिनी है, आज भी हो सकते हैं ईडी की ओर से कई बड़े एक्शन। श्रीनगर में पुलिस टीम पर आतंकी हमला, देर रात गाड़ी पर फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई के बाद भागे दहशतगर्द, सर्च ऑपरेशन जारी। और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, बीते 24 घंटे में 2000 से ज्यादा नए मामले, 5 मरीजों की मौत, संक्रमण दर बढ़कर 11.64% हुई।